Trish. 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 राधा, मौन व्रत में भी कृष्ण का नाम लोगी तुम? कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पर बाबा, उसने अभी कृष्ण बोला, मैंने सुना। मती मारी गई है तुम्हारी, राधा कृष्ण का नाम क्यों लेगी? चलो चुपचाप भोजन करो। देखा बाबा, इसने फिर से कृष्ण बोला, सुना आपने? कैसी बातें करी तुम कुटिला? राधा हमारे समक्ष खड़ी है, उसके ओंठ बंद हैं, मानसिक संतुलन खो बैठी हो तुम। भोजन करो चुपचाप। बाबा, मौन हो जाओ। अब एक शब्द नहीं, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कृष्ण ने कहा है कि मेरा पुत्र आज रात दिव्य धनुष तोड़ेगा, हम उस अद्भुत अद्वितीय क्षण को अवश्य देखेंगे। कृष्ण किसी भी क्षण यहां आ सकता है, वही मेरे पुत्र से धनुष तोड़वाएगा। तुमने क्या किया काल? सबके सामने ही वचन दे दिया कि कंस का सुरक्षा धनुष आज रात्रि में ही टूटेगा, और ऊपर से यह तक कह दिया कि उस धनुष को वो छोटा बालक ही तोड़ने वाला है। अब कोई भी मथुरावासी आज रात्रि में सोने वाला नहीं है। अब रात्रि भर सभी मथुरावासी जागकर उस छोटे बालक के उस धनुष को तोड़ने के क्षण की प्रतीक्षा करते रहेंगे। अब सब मथुरावासियों के मध्य से जाकर उन सबके समक्ष तुम उस धनुष को कैसे तोड़ोगे भला? धनुष टूटेगा था। आज एक बार पुनः द्वार स्वयं खुलेंगे। आज पुनः यमुना में उफान आएगा। आज एक बार पुनः यमुना को मुझे राह देनी होगी। राह देनी होगी। राह देनी।
आज तो हम इंद्रदेव का प्रकोप भी सह लेंगे, किंतु इस अद्भुत क्षण को देख के ही रहेंगे। हाँ, हमें विश्वास है, हम कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे। आज सब कुछ वैसा ही हो रहा है, मेरा मन विचलित वैसा ही हो रहा है जैसे जैसे उस दिन उस कृष्ण के जन्म के दिन हुआ था। आज एक बार पुनः समय की गति को रुकना होगा, एक बार पुनः सभी को कुछ क्षणों के लिए स्थिर होना होगा। Yeah.